फैंस का इंतजार खत्म हुआ, ऑस्कर 2023 शुरू हो गया है। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 95वें एकेडमी अवार्ड्स की शुरुआत हो चुकी है। इस बार ऑस्कर समारोह का कारपेट रेड नहीं बल्कि शैंपेन है, जिसे 62 साल बाद बदला गया है। इस बार भारतीय दर्शकों के लिए ऑस्कर खास होने वाला है। SS राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर सबकी नजरें अटकी हैं। तो दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ऑस्कर्स में बतौर प्रेजेंटर नजर आएंगी, इसे लेकर भी दर्शक काफी उत्साहित हैं। अभिनेता रामचरण, जो ऑस्कर रेड कारपोरेट पर अपनी पत्नी उपासना कोनीडेला के साथ थे, अपने बच्चों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो उनके लिए किस्मत लेकर आए और उन्हें गोल्डन ग्लोबर से अकादमी पुरस्कारों तक ले आए। राम RRR टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए। फिल्म के गीत नाटू नाटू ने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जीता, श्रेणी में जीतने वाला पहला भारतीय गीत बन गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पंडित जी ने भी फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब स्टेज पर चलकर ऑस्कर लेने की बारी आई तो फिल्म के दोनों मधुमले जंगल के आदिवासी किरदार, जिनका वास्तविक जीवन ही ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, सीन से गायब हो गए। ये उस मंदिर या मूर्ति की तरह हैं जिन्हें बनाता कोई है। छेनी और हथौड़ा किसी और का चलता है, पसीना किसी और का गिरता है, प्राण प्रतिष्ठा का प्रपंच करके कोई और उसका स्वामी बन जाता है। बनाने वाले की अक्सर गर्भगृह में एंट्री वैन हो जाती है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक के सारे निर्माण, सारे नृत्य डांस कलाकारी जिनकी है, उनका इतिहास में नाम लेवा नहीं होता। देवदारियों का सादिर 800 साल से कम समय में भारत नाट्यम बन गया और इसमें पैसा और नाम आते हैं, देवदासियों को धकेल कर बाहर कर दिया गया। कितना निष्ठुर और निर्मम है ये सब। कला और फिल्म जगत के लिए बड़ी बात है, मशहूर फिल्मकार RRR राजामौली की बहुचर्चित तेलुगु फिल्म RRR के बेहद मशहूर गाने नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर मिला है। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि ऑस्कर अवार्ड समारोह के मंच से ये घोषणा बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने की। गीत के बोल चंद्र बोस के हैं और संगीत से सवारा है RRR कीरावानी ने। इसके साथ ही एक अन्य भारतीय लघु फिल्म द एलिफेंट्स विस्पर्स को भी सम्मान मिला है। गीतकार, संगीतकार, फिल्मकार और पूरी टीम को बधाई। कथित राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादियों के एक समूह ने इस मशहूर फिल्म का पिछले साल दक्षिण में विरोध किया था। आज पूरी दुनिया में फिल्म और उसके गाने का डंका बज रहा है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।